हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम, क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ 28 रजब नोहा ए लाल अब लहद में कहाँ चैन पाऊंगी भाई जवान रिजवी। ठीक है, जवान रिजवी को मैंने कभी नहीं सुना, आज मैं फर्स्ट टाइम ये किसी वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहा हूँ। ठीक है, एंड वीडियो का टाइटल है ए लाल अब लहद में कहाँ चैन पाऊंगी। तो लिटरली आई थिंक मेरी सबसे बी फतेह में सलाम एंड इमाम हुसैन इस्लाम के बीच में बातचीत होने वाली, बिकॉज लहद कहते हैं कब्र को। एंड आई थिंक बी फतेह में सलाम कहना चाह रही कि लाइक जब आप सफ़र पे चल जाओगे देन वहाँ पे तुम्हें पता है इमाम हुसैन इस्लाम का कत्ल होने वाला है, तो एक तरह से वो कब्र में आप कैसे चैन पाएगी। आई थिंक मेरे सबसे टाइटल का मतलब ही है। तो लेट्स सी, अब जो भी है वीडियो के बाद चलेगा पता, सो विदाउट नी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। जवान रिजवी फर्स्ट टाइम जब कर बला की राह को चलने लगे हुसैन, रुखसत जो माँ की कब्र से होने लगे हुसैन, महशर पीस चक्की संभालना है करबला न देख मेरा घर उजाड़ना, बेटे का खून माहू कहाँ देख पाऊंगी, कैसे जवां की उठाएगा, आसिम की माँ को कैसे ये मंजर दिखाएगा, चादर में सोच कर तो यही साथ लाऊंगी, खुद को संभालना कैसे तू कर सकेगा सकीना का सामना, ज़ैनब को बेरदारी से कैसे बचाऊंगी, जो नन्ही
सर को तेरे गोद में, असगर को तेरे गोद मैं अपनी छुपाऊंगी। बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी का बेटा वहाँ पे शहीद हो रहा है, उनका उसका कत्ल हो रहा है, तो एक माँ कैसे रह सकती है। इसलिए वो कह रही है कि अब मैं लहद में कैसे चैन पाऊँगी लिटरली। एंड लिटरली वो जो कहते हैं ना, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना सफ़र का आगाज़ करने वाले थे, स्टार्ट करने वाले थे, तो सबकी सलामी लेने गए थे। तो एक तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी मम्मी के बीच में बात हो रही है, एंड वो कह रही है कि मैं हर मोमेंट पे आपके साथ रहूँगी। लाइक जितने भी करबला के पार्ट थे, सामी गरीबन का पार्ट, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का पार्ट जहाँ पे उनके बाजू कट जाएंगे, बीबी सगीना का पार्ट वो उनको गोद में लेंगी, अली असगर का पार्ट जहाँ पे जब उनको गोद में उठाया जाएगा, उनके तीर में, उनके गले में तीर मारा जाएगा, उस वक्त वो भी वहाँ रहेंगी। एंड मैंने बहुत पहले सुना है, जब करबला का ये जंग हुआ था, बी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पार्ट में, हर टाइम पे उनके साथ में थी। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सर कट गया था, उस वक्त भी वहाँ पे थी, ठीक है। एंड वो कह रही है कि लास्ट में लाइक सब मातम करेंगे सर पे, एक तरह से मार मार के, बहुत
दर्दनाक था। जॉन रिजवी को मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, ठीक है। और लिटरली इसके ज़्यादातर पार्ट बिल्कुल मसाइब से मानते, ठीक है। करबला के ज़्यादातर जो नोए होते, जो वाक्य होते हैं, बहुत दर्दनाक होते, बहुत बहुत। जब भी उसको लाइक उसके जो एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं लोग, चाहे नदीम सरवर सर हो या फिर जितने भी नोहा खुआन है, एंड जॉन रिजवी को मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, लिटरली बहुत 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 नेक्स्ट लेवल पढ़ाई कहना पड़ेगा। हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करा उन्होंने इसके अंदर में, ठीक है। दैट्स इट, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आई होप तुमको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, एंड बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट।